तो अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर दो का पहला देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो लिखते हैं इसके लिए। देखिए प्रश्न नंबर दो का पहला, तो लिखते हैं, माना भिन्न का हर, तो माना भिन्न का अंश पहले लेते हैं, अंश x एवं भिन्न का हर y, तो भिन्न क्या बनेगी? अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x/y, अंश बटे हर, मतलब x/y हो गया। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या लिखा है, लिखते हैं पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, तो देखिए क्या लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा दें तो y-1, एक घटा दिया तो भिन्न क्या हो गई? एक में बदल जाती है, मतलब एक हो जाएगी, तो इसको यहाँ एक लिख लेते हैं, ठीक ना? तो इसके बटे एक करके इनका तिरे गुणा कर लेते हैं, तिरे गुणा कर लेते हैं। तो तिरे गुणा करेंगे तो क्या, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्राप्त होगा x1+1, और इसका गुणा एक में करेंगे तो आएगा y-1, ठीक ना? अब x y चरों को एक तरफ करेंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे, तो लिखते हैं इसको इधर पक्षांतर करेंगे बाई तरफ, तो -y बराबर, यहाँ -1 रह गया ये वाला, और ये +1 का -1 पक्षांतर किए, तो इस प्रकार x-y बराबर -2, ठीक ना? -1 -1 -2, ठीक ना? अंक माइनस 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 अंक जुड़ जाता है। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त के अनुसार देखिए, दूसरी शर्त में क्या लिखा है, यदि हर में एक जोड़ दें, ठीक ना, तो अंश की कोई बात नहीं की गई है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, हर में बस एक जोड़ दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्राप्त होगा, तो 1/2 लिखते हैं यहाँ पर, 1/2। तो अब इनका तिरे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x प्राप्त होगा बराबर, इसका गुणा एक में करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा y+1। y को बाई तरफ पक्षांतर करते हैं तो जगह प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक रह जाएगा, तो समीकरण दो प्राप्त हुआ, ठीक ना? तो इन दोनों समीकरण को देखें, यहाँ एक जगह लिख ले रहे हैं, तो लिखते हैं x-y = -2, समीकरण एक हो गया। फिर 2x-y = 1, समीकरण दो हो गया। देखिए अगर हम इस समीकरण में से एक में से दो को घटाएं तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना? तो इस बार हम y के चर को कैंसिल करके बता रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक ना? आप चाहें तो यक्ष के गुणांक को भी बराबर करके इसको हटा लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक ना? यहाँ दो का गुणा करेंगे तो ये वाला यक्ष वाला गुणांक बराबर हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा तो घटा देंगे तो यक्ष वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना? मैं इस बार इसमें y को कैंसिल करके हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो लिखते हैं x-y = -2, ठीक है? समीकरण एक लिख लिया, समीकरण दो लिख लेते हैं, 2x-y = 1। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक ना? तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, इस प्रकार ये y कैंसिल हो गया, ठीक ना? -y
अब ये प्लस वाई हो गया। अब यहाँ देखिए वन होता है तो एक में से दो गया है ना, वन माइनस टू, वन माइनस टू बराबर माइनस वन आएगा, ठीक ना। वन माइनस टू तो लिखेंगे माइनस एक्स बराबर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार एक्स बराबर तीन प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखते हैं, देखिए ये रहा समीकरण एक, यहाँ लिख लेते हैं पहले समीकरण को, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, एक्स के स्थान पर तीन रख देते हैं, तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो, तीन को पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये माइनस ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार माइनस वाई बराबर माइनस पाँच, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो वाई बराबर पाँच आ गया। तो देखिए x और y का मान आ गया इस प्रकार, अतः अभीष्ट भिन्न, तो अभीष्ट भिन्न प्राप्त हुआ। देखिए x बटे y माने थे हम लोग है ना, अभीष्ट भिन्न x बटे y था, तो x का मान कितना आया है तीन और y का मान पाँच, इस प्रकार तीन बटे पाँच अभीष्ट भिन्न ज्ञात हो गया। तो प्रश्न नंबर दो का पहला हो गया। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं, ठीक ना, दूसरा भाग है। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक ना। तो इसमें लिखते हैं माना, पहले क्या है नूरी है, तो लिखते हैं नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक ना, एवं सोनू की वर्तमान आयु कितनी जाएगी, ये y वर्ष ले लिया, ठीक ना। तो देखिए इसमें लिखा है पांच वर्ष पूर्व, तो फिर लिखते हैं पांच वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो अभी से पाँच वर्ष पहले, जब पहले की बात करेंगे तो इसमें माइनस करेंगे, तो पाँच लिखा है तो पाँच वर्ष माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे नूरी की आयु कितनी जाएगी एक्स माइनस फाइव, ठीक ना, पाँच वर्ष कम कर दिया इसमें, एवं सोनू की आयु, इसको भी पाँच वर्ष कम कर देते हैं, ये पाँच वर्ष कम हो गया। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या लिखा है, पाँच वर्ष पूर्व, तो पाँच वर्ष पूर्व हमने दोनों की उम्र बना लिया, बोलता है नूरी की आयु, ये नूरी की आयु एक्स माइनस फाइव बराबर सोनू की आयु की तीन गुनी, तो सोनू की आयु ये रही, इसको तीन गुना करिए, ठीक ना, तीन गुना बोला तो तीन गुना करते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, एक्स माइनस फाइव बराबर तीन का इन दोनों पदों में गुणा किया जाएगा, तो तीन वाई हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस तीन पचे ये पंद्रह हो गया, ठीक ना। अचर पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ और चर पदों को एक तरफ करते हैं, तो इसका मतलब यक्स इसको बाई तरफ पक्षांतर किए तो माइनस थ्री वाई बराबर यहाँ माइनस पंद्रह बच गया, और ये माइनस पाँच को पक्षांतर करेंगे तो प्लस पाँच हो गया, ये हो गया एक्स माइनस थ्री वाई बराबर माइनस पंद्रह प्लस पाँच। एक माइनस और एक प्लस लिखा हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो पंद्रह में पाँच गया दस, और बड़ी संख्या में चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, ठीक ना। इस प्रकार समीकरण एक हो गया। फिर लिखा है इसमें दस वर्ष पश्चात, मतलब दस वर्ष पश्चात का मतलब बाद, ठीक ना, दस वर्ष बाद, फिर दोनों की आयु दस वर्ष प्लस करेंगे इनमें, तो लिखेंगे नूरी की आयु एक्स प्लस टेन वर्ष, ठीक ना, बात बोले तो प्लस करेंगे, एवं सोनू की आयु इसमें करेंगे वाई प्लस टेन वर्ष, ठीक ना। तो प्रश्नानुसार क्या लिखा है इसमें, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
नूरी की आयु ये रही, लिखेंगे यक्स प्लस टेन बराबर सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। तो इसमें दो गुणा करेंगे, दो गुनी है तो ये रही सोनू की आयु। अब इनका हल कर लेते हैं तो लिखेंगे यक्स प्लस टेन बराबर इस दो का दोनों पदों में गुणा होगा तो लिखेंगे टू वाई और दस दूनी बीस, ठीक ना। वाई को बाई तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो यक्स माइनस टू वाई बराबर बीस और इसको पक्षांतर करेंगे दाई तरफ तो माइनस टेन हो गया, ठीक ना, प्लस का माइनस टेन। तो इस प्रकार यक्स माइनस टू वाई बराबर बीस में दस गया दस, तो इस प्रकार समीकरण दो प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं तो लिखते हैं दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं, यक्स माइनस थ्री वाई बराबर माइनस टेन, ये रहा समीकरण एक, और यक्स माइनस टू वाई बराबर ये टेन लिखा हुआ है केवल, ठीक ना। तो देखिए इसमें अगर यक्ष गुणांक को देखें तो यक्ष गुणांक यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, मतलब दोनों का गुणांक बराबर है। तो हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण घटाएंगे तो यक्ष का मान कैंसिल हो जाएगा और वाई का मान ज्ञात होने लग जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक ना, तो घटाते हैं तो इसको लिख लें यक्स माइनस थ्री वाई बराबर माइनस टेन, यक्स माइनस टू वाई बराबर टेन। अब चूंकि घटा रहे हैं तो इसमें समीकरण चिन्ह बदल जाएगा, देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं होता तो ये प्लस होता है। अब ये यक्स वाला कैंसिल हो गया, अब देखिए क्या आया माइनस तीन अब प्लस टू, ठीक ना, माइनस टू ये नहीं रह गया, ठीक ना, चिन्ह इसका प्लस टू हो गया। तो लिखेंगे माइनस थ्री प्लस टू बराबर कितना आता है, देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिए एक आया, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये माइनस वाई आया और माइनस दस माइनस दस माइनस बीस, ठीक ना, तो एक कैंसिल माइनस कैंसिल कर देंगे तो वाई बराबर बीस प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण एक में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए एक समीकरण ये रहा, यहाँ पहले लिख लेते हैं इसको x माइनस थ्री वाई बराबर माइनस दस, ठीक ना, आप किसी भी समीकरण में मान रखिए x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यक्स माइनस तीन गुणे वाई का मान बीस बराबर माइनस दस, बीस तिहाई साठ बराबर माइनस टेन, तो यक्स बराबर माइनस टेन और इसको पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ तो माइनस का प्लस सिक्स जीरो सिक्सटी, तो साठ में दस गया पचास आया। तो देखिए यक्स का मान पचास और वाई का मान बीस, तो ये लिख देंगे अतः, देखिए क्या है नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स लिए थे तो यक्स पचास आया, तो लिखेंगे पचास वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बीस, तो लिखेंगे बीस वर्ष, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर दो का दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग देखेंगे अब। अब तीसरा भाग देखते हैं, इसमें लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो अंकों की संख्या है तो पहले इस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक ज्ञात करना है, ठीक ना, इसको पहले मान लेंगे। तो लिखते हैं माना संख्या का इकाई अंक, ठीक ना, इकाई अंक x, ठीक ना, कोई भी दो अंकों की संख्या जैसे 23 लिया तो इसका ये इकाई अंक होता है और ये दहाई अंक होता है। तो पहले दोनों को ले लिया जाए, लिखते हैं एवं संख्या का दहाई अंक,
द हाई अंक क्या लेंगे, वाई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या संख्या बनेगी, तो अभीष्ट संख्या क्या प्राप्त होगी, अभीष्ट संख्या। तो देखिए इसमें क्या होता है, इकाई अंक जो यक्स है उसमें एक का गुणा करते हैं, इकाई को एक से गुणा करेंगे और दहाई के अंक को दस के संग गुणा कराया जाता है, ये दस का गुणा, ठीक ना। ये नियम होता है, इकाई अंक को एक से गुणा करेंगे, दहाई के अंक को दस के संग गुणा करेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया दस वाई और यक्स एक कम एक्स, इस प्रकार ये संख्या दस वाई प्लस एक्स प्राप्त हुई। अब देखिए इसके अंकों को, अंकों के स्थान को बदल दें तो एक नई संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर ये 23 है, अगर इसके अंकों को अदला बदली कर दें तो हमको 32 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या किया, जो इकाई पे था उसको दहाई पे कर दिया, जो दहाई पर है उसको इकाई पे कर दिया, ठीक ना। इस प्रकार इसके अंकों का स्थान बदला जाता है, तो ये नई संख्या क्या प्राप्त हो गई, 32। इसी प्रकार हम भी यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखते हैं संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने पर, पलटने पर बनी संख्या, तो बनी संख्या क्या बनी है देखते हैं इसको, बराबर। तो देखिए ये इकाई के अंक पर था, ठीक ना, इसको वह हम दहाई के अंक पर कर देते हैं, तो ये, और ये जो दहाई पर है उसको इकाई पर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y गुणे एक प्लस यक्स गुणे दस, ठीक ना, अदला बदली कर दिए, ये y दहाई पर था तो इकाई पर आ गया, जो इकाई पर है वो दहाई पर हो गया। इसी प्रकार इसके स्थान को बदलते हैं, तो ये हो गया टेन यक्स प्लस ये y, ठीक ना। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या टेन एक्स प्लस वाई आया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है यदि इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ें तो क्या प्राप्त हुआ, 9। तो समीकरण एक आ गया। इसी प्रकार इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना अगर मैं करूं, टेन वाई प्लस एक्स का 9 गुना कर दूं और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये जो संख्या पलटने पर बनी है, बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसको लिख कर इसका दुगुना कर देता हूं, तो ये दुगुना हो गया, ठीक ना। इसका जो वास्तविक संख्या थी उसका 9 गुना और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब इनको हल कर लेते हैं, तो देखिए 9 दहाम 90 वाई प्लस 9 एक्स बराबर 2 दहाम 20 एक्स प्लस 2 वाई, ठीक ना। तो देखिए ये एक्स वाला एक तरफ कर लेंगे, वाई वाला एक तरफ लिखते हैं, 90 वाई 2 को पक्षांतर कर लें माइनस 2 वाई बराबर 20 एक्स, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 9 एक्स। तो 90 में 2 गया 88 वाई बराबर 20 में 9 गया 11 एक्स, ठीक ना। तो इस प्रकार 11 एक्स बराबर 88 वाई, ठीक ना, दोनों को सब पलट लिया तो x बराबर कितना आया 88/11 y, तो ये आया x बराबर 11 एक कम 11 11 अट्ठे 88 मतलब 8 y। तो समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इस समीकरण x का मान 8 y समीकरण 2 में से अगर एक में रख दें तो इसमें y का मान ज्ञात हो जाएगा, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। तो 2 को रख यहां पर रख दें, देखिए दूसरा पहला समीकरण लिख लें हम यहां पर, x प्लस वाई बराबर 9। अब x के स्थान पर 8 वाई रख देते हैं,
लिखेंगे 8y प्लस वाई बराबर 9, 8y और एक y और मिल गया तो 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटे 9, 9 एक कम 9 एक कम, y बराबर 1 प्राप्त हुआ। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं, या तो समीकरण 2 में भी रख दें तब भी ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, 2 में रखिए 1 में रखिए किसी से भी आ जाएगा, तो इसमें रखते हैं तो देखिए x बराबर 8y लिखा हुआ है, तो x बराबर 8 गुणे 1, y का मान 1 है, इस प्रकार x बराबर 8 प्राप्त हुआ। तो अब x और y का मान ज्ञात हो गया तो हम संख्या निकाल लेंगे इसमें x और y का मान रखकर, तो लिखते हैं अतः अभीष्ट संख्या बराबर, देखिए क्या लिखा है, 10y प्लस x लिखा हुआ है प्लस x, तो इसमें रखेंगे 10 गुणे y का मान 1 प्लस x का मान 8 आया, तो 10 प्लस 8 बराबर 18, तो ये रहा 18, प्राप्त हो गया संख्या। अब प्रश्न नंबर 4 चौथा भाग देखते हैं इसका, देखिए लिखा है इसमें मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक ना, तो मीना को 2000 रुपये चाहिए था और वो बोलती कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही मुझे चाहिए, तो इस हिसाब से कैशियर ने, खजांची को कैशियर बोलते हैं, ने कुल 25 नोट दिया, ठीक ना, तो उस हिसाब से उसका 2000 रुपये हो गया। तो इसमें पूछा गया है 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या अलग अलग बताएं, तो लिखते हैं माना पहले 50 रुपये लिखेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ठीक ना, तो प्रश्नानुसार अगर दोनों नोट को जोड़ा जाए तो 25 नोट इसको प्राप्त हुआ है, तो x प्लस y बराबर 25 नोट हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। अब इसको कुल 2000 रुपया इसको प्राप्त हुआ है, ठीक ना, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों को गिना तो इसने कुल 2000 रुपये प्राप्त किया। तो देखिए अगर 50 रुपये, देखिए अगर मैं बहूँ 50 रुपये के, 50 रुपये के अगर दो नोट हैं तो कितने रुपए बने, तो देख कितने रुपए बने उसको ज्ञात करने के लिए नोटों की संख्या में रुपए के मूल्य से गुणा किया जाता है, ठीक ना, तो 2 × 50 मतलब 100 रुपये बने, ठीक ना। यदि इसी प्रकार 50 रुपये के अगर 5 नोट हैं तो कितने नोट बने, तो क्या करते हैं नोटों की संख्या से इसके मूल्य से गुणा किया जाता है, इस प्रकार 5 × 50 तो ये हो गया 25, मतलब 250 रुपया प्राप्त हुआ होगा, ठीक ना। इसी प्रकार यदि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है मतलब नोटों की संख्या, देखिए x दिया हुआ है और मूल्य कितना है 50 रुपये, तो इससे कुल कितने रुपए बनेंगे, तो 50x बनेंगे, है ना, नोटों की संख्या x है ना 2 और मूल्य है 50, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो इस 50 रुपये के नोटों की संख्या से कुल कितना रुपए प्राप्त हुआ वो हमको मिलता है, तो लिखेंगे 50x प्लस, इसी प्रकार 100 रुपये के नोटों की संख्या y है तो नोटों की संख्या में नोट का मूल्य का गुणा किया जाता है, लिखेंगे 100y बराबर, अब इन दोनों को जोड़ा तो 2000 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब 50-50 कॉमन है इसमें, तो 50 बाहर निकाल लेते हैं, देखिए 50 अगर इसमें से उभयनिष्ठ है तो यहाँ बचा x और ये 50 दुनी 100 होता है,
इस 50 को नीचे पक्षांतर कर देते हैं तो ये आया x प्लस टू वाई बराबर 2000 बटे 50, ठीक ना। 50 को नीचे पक्षांतर कर दिया, ये कटेगा, 0 0 कट गया, 5 एकम 5 चौक 20। इस प्रकार दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया x प्लस टू वाई बराबर 40, समीकरण दो। अब देखिए दोनों समीकरण हैं, इन दोनों का गुणांक x वाला गुणांक बराबर है, तो समीकरण एक में से दो को घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण एक, और ये लिखा है x प्लस टू वाई बराबर 40, समीकरण दो। अब इसको लिखते हैं घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो x x कैंसिल हो गया। और देखिए ये 1 है, तो एक में से दो जा रहा है, 1 माइनस 2, ठीक ना, 1 माइनस 2 बराबर -1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई बराबर 25 में 40, ठीक ना, 25 माइनस 40, तो क्या -15 प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, 25 30 40, तो ये हो गया -15। इस प्रकार ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y का मान 15 प्राप्त हुआ। तो y का मान समीकरण एक में रख देंगे तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे, देखिए लिखा है x प्लस वाई बराबर 25, तो y का मान 15 है, 15 रख लिए बराबर 25, तो 15 को पक्षांतर कर लेते हैं, 25 माइनस 15, इस प्रकार ये 10 प्राप्त हुआ। तो देखिए जिस x और y का मान ज्ञात हो गया तो लिखेंगे अतः ₹50 के नोटों की संख्या बराबर, x का मान कितना है 10, तो मतलब 10 नोट प्राप्त हुआ है, और ₹100 के नोटों की संख्या कितनी है, y का मान 15 है, तो 15 नोट इसको ₹100 के प्राप्त हुए, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो गया। अब एक अंतिम भाग है प्रश्न, पांचवा भाग, उसको देखते हैं। देखिए पांचवा भाग में है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए पुस्तकालय है, पुस्तकालय में 3 दिन तक का जो भी पुस्तक लेंगे, 3 दिन तक अगर यूज करेंगे उसका एक फिक्स चार्ज है, ठीक ना। तो जो भी लाइब्रेरी में मेंबर है उसको जो भी लाइब्रेरी फीस होती है उसमें 3 दिन तक कोई भी पुस्तक घर पर रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर रखते हैं तो उसका एक अतिरिक्त किराया लगता है, पर डे का अलग पैसा लगता है। तो इसी में पूछ रहा है कि आप नियत किराया बताइए और अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, माना पुस्तकालय का, माना पुस्तकालय का नियत किराया, नियत किराया ₹100, ठीक ना, ₹100 लिया, एवं पुस्तकालय का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, ये ₹Y ले लेते हैं, ठीक ना।
तो देखिए प्रश्नानुसार क्या प्रश्न में लिखा है, तो प्रश्नानुसार में है देखिए, एक सरिता ने 7 दिन तक रखा पुस्तक को, ठीक ना। देखिए 7 दिन में 3 दिन और ये 4 दिन, तो 3 दिन का जो है वो नियत किराया देगी, है ना, फिक्स चार्ज देगी। कितना? 3 दिन तक का तो एक निश्चित किराया है ही, तो ये ₹100 दिया प्लस। अब देखिए अतिरिक्त दिन का ₹Y है, मतलब अगर एक दिन अतिरिक्त हो गया, मतलब 4 दिन हो गया, तो एक दिन का ₹Y एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस प्रकार इसने 4 दिन तक एक्स्ट्रा रख लिया, तो एक दिन का अतिरिक्त किराया ₹Y है, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया ₹4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को यहाँ लिख लेते हैं, X+4Y बराबर, इसने कुल कितना दे दिया, ₹27 दिया, तो 27, ठीक ना, समीकरण एक हो गया। इसी प्रकार सुशी ने 5 दिन तक रखा, तो देखिए 5 दिन में ये 3 दिन तक तो नियत किराया है, ठीक ना, 3 दिन तक रखिए बुक और इतना रुपया फिक्स दे दीजिए, मगर 2 दिन अतिरिक्त इसने रख लिया, तो यक्ष इतना 3 दिन का तो ₹100 देगा ये, और 2 दिन का अतिरिक्त जो किराया है, तो एक दिन का अतिरिक्त है ₹Y, तो 2 दिन का अतिरिक्त होगा ₹2। तो इस प्रकार इसको भी लिख लें, X+2Y बराबर ₹21, ठीक ना, तो 21 लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 21 समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यक्ष के गुणांक बराबर हैं, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, ठीक ना, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसको। विलोपन विधि, तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक ना, तो घटाएंगे, लिखते हैं इसको X+4Y बराबर 27 और X+2Y बराबर 21, तो घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ए माइनस ए माइनस ए माइनस, ये कट गया, 4 में 2 गया 2 और 27 में 21 गया 6, वाई बराबर 6/2, 2 पक्षांतर कर दिया तो 2 3 6, इस प्रकार वाई बराबर 3 आ गया। लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं, ये रहा समीकरण, लिखेंगे X+4Y बराबर 27, X+4×3 बराबर 27, X+12 बराबर 27, ठीक ना। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, इसको पूरा यहाँ लिख लें, X+12 बराबर 27, तो ये हो गया X=27-12, तो 7 में 2 गया 5, 2 में गया 1, तो 15 आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार नियत किराया ₹15 था और अतिरिक्त दिन किराया ₹3 था, तो ये लिख लेते हैं, अतः नियत किराया, नियत किराया कितना, ₹15 एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया ये कितना आया, ₹3, ठीक ना, ₹3 आया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।